सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को मनोहर सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने किसानों के ट्यूबवेल के बिजली के बिल के बकाया भुगतान पर सरचार्ज माफ करने की घोषणा की है। पंचकुला में जल जीवन मिशन के तहत 7 राज्यों की एक अहम वर्कशॉप का आयोजन किया गया। 2 दिन तक चलने वाली इस वर्कशॉप का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किया। वर्कशॉप में घटते जल स्तर को लेकर 7 राज्यों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। सीएम मनोहर लाल ने हिसार के लोगों को हवाई यात्रा की सौगात दी है। हिसार में सीएम मनोहर लाल ने पहली हवाई सेवा और फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया। यही नहीं, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टिकट खरीद कर पहली फ्लाइट से हिसार से चंडीगढ़ तक का सफर भी तय किया। चौटाला परिवार को एक साथ लाने का जिम्मा अब खाप पंचायतों के नेताओं ने ले लिया है। खाप नेता रमेश दलाल ने हिसार के तेजाखेड़ा फार्म पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की और बताया कि ओम प्रकाश चौटाला ने हमें आश्वासन दिया है कि खाप पंचायत का फैसला उन्हें मंजूर होगा। दलाल ने कहा कि अब वो जल्द ही दुष्यंत चौटाला से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले खाप पंचायत अपनी इस मुहिम में अभय चौटाला की रजामंदी पहले ही ले चुकी है। सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कैथल और महेंद्रगढ़ में बिगड़ी कानून व्यवस्था को देखते हुए फतेहाबाद प्रशासन अलर्ट है। सीएम की यात्रा को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फतेहाबाद एसपी विजय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम की यात्रा के दौरान जिले में 400 जवान तैनात किए जाएंगे। झज्जर में नगर अस्पताल के फार्मासिस्टों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। फार्मासिस्ट अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही फार्मासिस्टों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन भी बनाया है। कैथल में सरकारी कन्या स्कूल की छात्राओं ने टीचरों की कमी को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही बस चालक और परिचालक पर दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया। छात्राओं ने टीचरों की कमी पूरी नहीं होने पर प्रशासन को चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी। पलवल में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया, साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे कंप्यूटर टीचर एक बार फिर सड़कों पर उतरे। मांगों को लेकर टीचर्स ने कहा कि अगर सरकार 8 सितंबर तक उनकी समस्याओं पर गौर नहीं फरमाती है तो सभी टीचर्स अपने परिवारों के साथ 8 सितंबर को एक विशाल प्रदर्शन को अंजाम देंगे। गौरतलब है कि 8 तारीख को ही पीएम मोदी भी हरियाणा के रोहतक में पहुंचने वाले हैं। स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने रेवाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इनेलो और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा।